हेलो देयर, कैसे हैं आप सब। बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं को सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होना पड़ा है। हिंदुओं की बस्तियों पर कट्टरपंथियों द्वारा हमला किया जा रहा है और हिंदुओं पर होने वाले इस हमले से बांग्लादेश का पढ़ा लिखा तबका बेहद आहत है। बांग्लादेशी सरकार पर लगातार देश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाने का दबाव सिविल सोसाइटी द्वारा बढ़ाया जा रहा है। बांग्लादेशी पुलिस ने भी हिंदुओं पर हमला करने वालों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया है और लगातार ऐसे हमलावरों की पहचान भी जारी है। यानी कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के आम नागरिक हिंदू समुदाय पर हुई इस धार्मिक हिंसा के सख्त खिलाफ हैं और देश में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं। बांग्लादेशी सेंसस के मुताबिक बांग्लादेश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.5% हिंदू हैं। ऐसे में आज हम आपको बांग्लादेश के 10 बेहद मशहूर और ताकतवर हिंदुओं से रूबरू कराएंगे। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इन हिंदुओं ने बांग्लादेश में अपना एक मजबूत मुकाम बनाया है। तो चलिए साथियों, ये वीडियो शुरू करते हैं। सधन चंद्र मजूमदार। सधन चंद्र मजूमदार बांग्लादेश के एक जाने माने पॉलिटिशियन हैं और मौजूदा शेख हसीना सरकार में मिनिस्टर ऑफ फूड हैं। 17 जुलाई 1950 को नियामतपुर जिले में पैदा हुए सधन चंद्र एक मिडिल क्लास बांग्लादेशी हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता अपने इलाके में एक प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। ये जब मात्र 6 बरस के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया था। सधन चंद्र मजूमदार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कॉलेज से ही कर दी थी। बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग की यूथ विंग छात्र लीग के ये सदस्य बनाए गए थे। इसके बाद इन्होंने बांग्लादेश की राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। शुरुआत के 2 चुनावों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन साल 2008 में ये नवागांव 1 सीट से जीतकर बांग्लादेशी पार्लियामेंट के सदस्य बने। साल 2019 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन्हें अपनी सरकार में खाद्य मंत्री बनाया था। हिरण्मय सेन गुप्ता। बांग्लादेश में साइंस के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर हिरण्मय सेन गुप्ता। ये बांग्लादेश के जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं। 1 अगस्त 1934 को ब्रिटिश इंडिया के बरिसल में जन्मे हिरण्मय सेन गुप्ता का परिवार हमेशा बांग्लादेश में रहा। ईस्ट पाकिस्तान का दौर रहा हो या फिर 1971 के बाद आज़ाद बांग्लादेश का समय रहा हो, हिरण्मय सेन गुप्ता ने कभी भी अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ा। ढाका यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद हिरण्मय सेन गुप्ता ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी की। फिर साल 1955 से लेकर साल 2000 तक इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम किया। अरुण कुमार बसक। 17 अक्टूबर 1941 को बंगाल के पबना जिले में जन्मे अरुण कुमार बसक भी बांग्लादेश का एक बड़ा हिंदू नाम है। सन 1957 में इन्होंने अपने जिले में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया था। इसके बाद पबना के ही सेंट एडवर्ड कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी बात थी। राजशाही कॉलेज में बीएससी की परीक्षा में इन्होंने टॉप किया था। इसी कॉलेज से ही इन्होंने एमएससी भी किया और उसमें भी इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद सन 1963 में राजशाही कॉलेज में ही डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में इन्होंने लेक्चरर की हैसियत से नौकरी करनी भी शुरू कर दी। बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद इन्हें ढाका यूनिवर्सिटी में नियुक्त किया गया था, लेकिन इन्होंने अपने होम टाउन राजशाही में अपने राजशाही कॉलेज में ही काम करना ठीक समझा। देवप्रिया भट्टाचार्य। देवप्रिया भट्टाचार्य बांग्लादेश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। साल 1956 में इनका जन्म तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान के एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता देवेश भट्टाचार्य बाद में बांग्लादेश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। वहीं इनकी माता चित्रा भट्टाचार्य बांग्लादेश की राजनीति का बड़ा नाम थी और बांग्लादेशी संसद की सदस्य भी रह चुकी थी। इनकी शुरुआती पढ़ाई ढाका के सेंट ग्रेगरी हाई स्कूल से हुई। उसके बाद आगे की पढ़ाई इन्होंने ढाका कॉलेज से की।
रूस के लेखनऊ नेशनल प्लानिंग इंस्टीट्यूट से इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड के क्वीन एलिजाबेथ हाउस की इन्होंने फेलोशिप ली। बांग्लादेश में इन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पार्थ प्रतिम मजूमदार 18 जनवरी 1954 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पैदा हुए पार्थ प्रतिम मजूमदार को बांग्लादेश में माइम आर्ट का पितामह माना जाता है। पार्थ की शुरुआती शिक्षा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के चंदन नगर से हुई थी। यहीं पर पार्थ की मुलाकात प्रख्यात भारतीय माइम आर्टिस्ट जोगेश दत्ता से हुई थी। जोगेश दत्ता से प्रेरणा लेते हुए पार्थ ने भी माइम आर्ट में करियर बनाने का फैसला लिया। इन्होंने जोगेश दत्ता के माइम आर्ट स्कूल में इस कला की बुनियादी बातें सीखी। बाद में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई तो ये वापस अपने देश लौट आए। बांग्लादेश जाकर एक दिन ये एक कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। इत्तेफाक से उस कार्यक्रम में तत्कालीन फ्रांसीसी राजदूत मौजूद थे। उन्होंने पार्थ की परफॉर्मेंस को खूब एंजॉय किया। फिर उन्हीं की मदद से पार्थ माइम आर्ट की बारीकियां सीखने फ्रांस गए और फ्रांस में इन्होंने एटनी डी क्रॉक्स से माइम आर्ट की ट्रेनिंग ली। शिशिर भट्टाचार्य जी कला के क्षेत्र में बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा नाम है। शिशिर भट्टाचार्य जी ये न केवल एक पेंटर हैं बल्कि एक शानदार कार्टूनिस्ट हैं। अक्सर इनके कार्टून्स पॉलिटिकल सिचुएशन पर तंज करने वाले होते हैं और बांग्लादेश के कई बड़े अखबारों में समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। इनका जन्म सन 1960 में ढाका में हुआ था। ढाका यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद साल 1987 में ये भारत आए और गुजरात के वडोदरा शहर में मौजूद महाराज सयाजी राव कॉलेज ऑफ आर्ट्स बड़ौदा से इन्होंने फाइन आर्ट्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की। इन्होंने काफ़ी वक्त तक ढाका यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से नौकरी भी की थी। शिशिर भट्टाचार्य जी बांग्लादेश के युवा कार्टूनिस्टों के रोल मॉडल भी हैं। बिमल गुहा 27 अक्टूबर 1952 को पूर्वी पाकिस्तान में पैदा हुए बिमल गुहा बांग्लादेश के जाने माने कवि हैं। अपने गृह नगर चिटागोंग से ही इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई और अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट की। चिटागोंग यूनिवर्सिटी से इन्होंने बंगाली लिटरेचर में एमए किया था। इसके बाद स्कॉटलैंड की नेपियर यूनिवर्सिटी से इन्होंने पब्लिकेशन की पढ़ाई की। थाईलैंड और फिलीपींस से भी बिमल गुहा ने एडिटिंग और पब्लिकेशन की ट्रेनिंग ली। बाद में ढाका यूनिवर्सिटी से इन्होंने मॉडर्न बंगाली पोएट्री में पीएचडी की। उसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी में ही इन्होंने प्रोफेसर की हैसियत से नौकरी करनी भी शुरू कर दी। इनकी कविताएं बांग्लादेश में बेहद लोकप्रिय हैं। बप्पी चौधरी बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। बप्पी चौधरी ने अपना एक्टिंग करियर साल 2012 में भालोबासा रोंग नाम की फिल्म से किया था। ये फिल्म वहां के दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी। बांग्लादेश के बड़े फिल्म अवार्ड्स जिन्हें मेरिल प्रथम अलो अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है उनमें इन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया था। ये एक बड़ी बात है। हालांकि ये वो अवार्ड जीत नहीं पाए थे। बप्पा मजूमदार 5 फरवरी 1972 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुए बप्पा मजूमदार का असली नाम सुभाषीष मजूमदार बप्पा है। यह बांग्लादेश में संगीत के क्षेत्र का बड़ा नाम है। इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां इनके माता पिता दोनों ही संगीत से जुड़े थे। ऐसे में इन्हें संगीत की तालीम बचपन से ही अपने घर से मिलनी शुरू हो गई थी। इनके पिता उस्ताद बरीन मजूमदार और इनकी माँ इला मजूमदार दोनों ही बांग्ला संगीत के बहुत बड़े नाम हैं। साल 2018 में इन्होंने तान्या हुसैन से शादी की थी। तान्या हुसैन बांग्लादेशी फिल्मों में एक्ट्रेस हैं। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है अंगमित्रा मजूमदार पिएटा। कुमार बिश्वजीत बांग्लादेशी संगीत इंडस्ट्री का एक और बड़ा नाम है। कुमार बिश्वजीत इन्हें बांग्लादेश का कुमार सानू कहा जाता है। ये ना केवल एक जबरदस्त सिंगर हैं बल्कि एक शानदार म्यूजिक कंपोजर भी हैं। 1 जून 1963 को इनका जन्म चिटागोंग में हुआ था।
बांग्लादेशी पॉप म्यूजिक को इन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। साल 2014 तक इन्होंने अकेले 40 से भी ज्यादा सोलो एल्बम्स रिलीज कर दिए थे। इन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के लिए भी खूब गाने गाए हैं। साल 2001 में इन्होंने नईमा सुल्तान नाम की एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी। इनका एक बेटा है जिसका नाम है कुमार निबिर डे।